नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव वा प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा तदुभक्ता रम बुबतुमा बुक्ता रम ओ शांति 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 जिनके स्नेह और प्रेम में आसक्त होकर आप सभी के मध्य में आने का सुभग अवसर मुझे मिला आदरणीय भ्राता श्री कट्टर जी मेरे साथ बैठे हुए जिनके विचार अभी आप सुन रहे थे आदरणीय श्री धर्मपाल जी गुप्ता मेरे बहुत अभिन्न मित्र और आप सभी के दयानंद सेवाश्रम संघ का कार्य करने में चातुर्य और अद्भुत क्षमता रखने वाले आचार्य जी महाराज दयासागर जी बड़े लंबे अंतराल के बाद आज मेरी माता ईश्वर रानी जी के दर्शन हुए मुझे बहुत प्रिय लगा पुरानी समस्मृतियाँ मेरे दिमाग में उभर के सामने आ गई इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदर के योग्य भद्र पुरुषों और पूजा के योग्य मातृशक्ति इस शिविर में आए हुए सभी शिविरार्थी मेरे आश्रम के सभी बालक और मेरी बेटियां जो आश्रम में रहती हैं सैनिक बिहार में और उन सबका संचालन के रूप में देखने वाली हमारी बेटी सुमेधा जी और अन्य सब महान भाव उपस्थित भद्र पुरुषों पुरानी परंपरा के आधार पर और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम अपना एक संकल्प दिवस मना रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाहर से आने वाले शिवरार्थी भी भाग लेते हैं और मेरे यहां के बालक भी उस में भाग लेते हैं और कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं प्रिय बेटे और बेटियों मैं तुमसे एक निवेदन करूंगा और उस निवेदन को आप सभी लोग दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे एक वैज्ञानिक रूप से और एक व्यावहारिक रूप से बेटा मेरे जो शिवरार्थी है वो नए हैं और तुम कोई लोग इधर उधर दिमाग मन ले जाना सब बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करना बेटा अच्छा तुम्हारा ये भाग्य है सौभाग्य है कि तुम यहां आकर ये जो भी संस्कार की दीक्षा ली और तुमने कुछ पाने का प्रयास किया है महर्षि दानंद सरस्वती जी महाराज ने मां के गर्भ से बाहर आकर निकले हुए बच्चे का संस्कार करने का प्रयोजन हम सबके समक्ष रखा और यह सब प्रयोजन जिस एक चीज में आबद्ध हैं रखे हुए हैं उस सारी पुस्तक का नाम संस्कार विधि रखा संस्कार एक वो विधि है या संस्कारों की एक ऐसी विधि है हाथ जोड़ रहा हूं आप सब जिस से जिससे मनुष्य देह धारण करने के बाद आत्मा और शरीर सुसंस्कृत होकर पशुत्व से हटकर मनुष्य बन जाता है ये वो कदापि मत समझना कि पशुओं के बच्चे पशु होते हैं भैंस का बच्चा भैंस का ही होगा निश्चित रूप से भैंस को उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती अन्य पशु पक्षियों के बच्चे मेरे यहां पर बूटे लगा रखे हैं हमने अपने थोड़ी सी जगह में आप आश्चर्य करेंगे कि वो एक चिड़िया है जो उसने घोंसला बनाया पत्ते में और बच्चों का प्रजनन किया धीरे से वो बच्चे ध्यान से सुनना सब जो मैं कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से उस अंडे में से बच्चा निकलता है मां ना उसको बुरश लेकर रंगती है ना उसको मां भाषा सिखाती है मैं हाथ जोड़ रहा हूं मेरे शब्दों पर ध्यान देते रहना जैसे ही अंडे को पकाती है अपने स्पर्श से उसमें से ही बच्चा सीधा जब ऊपर को छेद कर निकलता है तब वो अपनी मां के संपूर्ण भाषा और संस्कारों को लिए हुए आता है मैंने आज तक किसी चिड़िया को बैठकर अरग से पाठशाला लगाकर अपने बच्चों की मैंने भाषा का ज्ञान सिखाते नहीं देखा मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे बया का बच्चा बया की मां ने घोंसला बनाने की प्रक्रिया बोलो नहीं सिखाई बोलो सब जने लेकिन ऐसा घोंसला बना देता है कि संसार का कोई इंजीनियर उस घोंसले का निर्माण नहीं कर सकता जैसा वो बनाता है मैंने बड़े काम किए छोटी सी अवस्था में बया के घोंसले में अगर एक साल भी बरसात होती रहे तो पानी के बूंद नहीं जाती नंबर दो ऐसी मिट्टी कहां से लाता है ढूंढकर जो दीपक का काम करती है वो उसके ही घोंसले में वो मिट्टी रखता है जो जलता है प्रकाश करता है और तीसरी बात सुन लेंगे तो आश्चर्य में डूब जाएंगे उसका बैठने का रूम ड्राइंग अलग है और घुसने का ड्राइंग रूम बैठने का कमरा अलग है बनाओ जिसमें दम लेकिन मेरा दावा है कि मनुष्य चाहे जितना उत्तम प्राणी बनने का प्रयास करे सारी सृष्टि में सबके बाद जरूर पैदा हुआ है सबसे उत्तम भी माना जाता है स्वयं को कहता भी है लेकिन चैलेंज हमारा इस सभा में यह है कि मनुष्य यदि अपने बच्चे को मनुष्य न बनावे वो मनुष्य बन के दिखा दे नहीं लगी बात अच्छी मेरी अगर मां अपने बच्चे को भाषा न सिखावे जल्दी बोलो भाषा नहीं सीख सकता इतना ही नहीं वो जिसके संपर्क में रखा जाएगा भाषा उसकी बोलना शुरू कर देगा एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गए हमारे गांव की बात है ये लेकिन भेड़ियों ने उस बच्चे को खाया नहीं बाई चांस उसके मन में कुछ प्यार उमड़ा और रख लिया उसने मनुष्य की चाल छोड़ दी चार हाथों से भी चलने लगा उसने मनुष्य की भाषा सुनी नहीं थी वो बोली नहीं भेड़िया जैसे बोलता था बोलो वैसे बोलता था जैसे भेड़िया मनुष्य को देख कर डरता है ऐसे मनुष्य का बच्चा आदमी को आता हुआ देख करके भाग जाता था क्या हुआ इसका अर्थ इस ढांचे में यदि कोई यह दावा करे कि ढांचा मिलते ही मैं मनुष्य बन गया हूं वो इरादा छोड़ दे ढांचा देखने में बहुत अच्छा है पर इस ढांचे से खराब अन्य कोई ढांचा इस सृष्टि में बोलो है ही नहीं बोलो आप सब जने कोई पशु अपना धर्म छोड़ता हो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र उपग्रह कोई धर्म छोड़ते हो वायु स्पर्श धर्म अग्नि जलाने का धर्म जल ठंडे का धर्म पृथ्वी स्पर्श का धर्म गंध का धर्म छोड़ती है क्या अब आपसे प्रश्न है मुझे उत्तर देना क्या ये सब अपना धर्म नहीं छोड़ते पर मनुष्य कभी धर्म का पालन करता नहीं है इसलिए सबसे गिरा हुआ आदमी है बताओ इस सारी सृष्टि में उपद्रव किसने मचाया हुआ है अकेले ने कह तो दो मेरे साथ किसने अकेले ने सारी सृष्टि में उपद्रव है तो अकेले ने पशुओं के मार को क्यों कौन खा गया पक्षियों को किसने मारा पृथ्वी को किसने बिगाड़ा जल को किसने बिगाड़ा वायु को किसने प्रदूषित किया फिर भी तुम अच्छे अरे दावा तब कह दो आज जने मिलकर आज बड़े युगों के बाद बड़े लंबे अंतराल के बाद मेरे व्यास की और जैमिनी की परंपरा को छोड़कर इस धरती पर जब सब विद्या का बहुत गहरे बादल छाए हुए थे तब केवल एक ही ज्योति जो समस्त ऋषियों की ज्योतियों को अपने अंदर में समाहित कर केवल एक ही पुरुष इस धरती पर हमारे लिए आया था वो कोई और नहीं था वो महर्षि दयानंद सरस्वती था जिसने संस्कार विधि को लिखा ऋषि सरस्वती ने कहा था यह आर्य समाज है बेटा सब जने शिवरार्थी सुनो मेरी बेटियों आर्य समाज का क्या अर्थ है मैं उत्पन्न करने से पूर्व उत्पन्न करने के बाद सब संस्कारों को देकर अपने बच्चे को आर्य बनाकर अर्थात किसको आर्य बनाकर लड़कियों को आर्य बनाकर बना लड़कों को आर्य बनाकर और आर्य आर्यों का विवाह करा के समाज बनाकर आर्य समाज बनाऊंगा इसलिए आर्य समाज था नरेश जी गोयल जी मुझे दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस ढूंढ के बताओ जो बिना विवाह के किए हुए आर्यों के आर्यों में बिना विवाह किए हुए आप अपनी विचारधारा को समाज में फैला सके या रिश्तों को बढ़ा सके या रिश्ते बना सकें आई एम रेडी टू लिसन दैट प्रोसेस मैं तैयार हूं उस प्रोसेस को सुनने के लिए तुम घुस कर मर के रह गए तुम वहां से विवाह किया तुम लड़कियों को अगर थोड़ा बहुत आर्य है तो लड़की ऐसी मिल गई जो उसने वहां नष्ट कर दिया तुम्हारी लड़की समाज समाजी है तो तुमने विवाह वहां कर दिया वो वहां जाकर नष्ट हो गई अर्थात तुमने विवाह किए विचारधारा को नष्ट करने के लिए किए बढ़ाने के लिए नहीं किए संस्कार विधि खत्म आ संस्कार विधि क्या है सुनो बेटा मुझे आपसे हाथ करनी है शिवनार्थियों से तुमसे बात करनी है एक लकड़ी मैं पेड़ से ले आऊं रॉ मेटीरियल है मैं लकड़ी को बनाना चाहता हूं बेटी मेरे शब्दों पर ध्यान देना अथवा छोड़ो इस बात को मैं बाजार से कपड़ा लेके आया क्या ले आया और मैं दर्जी के पास जाऊं दर्जी से यह कहूं कपड़ा ले बना दे इसका दर्जी ने कहा क्या बनाना है क्या बना दे बस अरे वो से क्या बना अरे तू बना दे बस कपड़ा दे दिया बना दे कपड़ा फेंक के कहेगा ले जाए सर कहीं और बनवा लेना मेरे बस की क्यों कपड़ा तुम लाए हो अभिप्राय क्या था दर्जी से कहोगे कुर्ता बनाना है तो वो कुर्ते के कपड़े को नापेगा जरा शब्दों पर ध्यान देना नाप कर उस कुर्ते को मेरा नाप लेगा तब उस कुर्ते की बोलो कटिंग करेगा काटेगा शब्दों पर ध्यान देते रहना और काटकर फिर उसे सिलेगा और सिल करके उसमें बटन भी लगाएगा तब तो मेरे शरीर पर मुझे पहना कर क्या हुआ कपड़ा रफ था उसको मैंने ठीक काटकर उसको सिला दोबारा ऐसे ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक समाज और गुरुकुल अथवा छात्रावासों में जाकर नापना चाहिए कि क्या बनना है पूछो माता पिता से क्या बनाना है क्या बनाऊं और आचार्य वह है अध्यापक वह है पढ़ाने वाला वह है शिक्षक जो मेरी बेटी बेटियों ध्यान से सुनना जो आए हुए बालक के सिर नाक कान काटकर बढ़िया तरह से सिल के स्वच्छ और पवित्र बनाकर मनुष्य बनाकर समाज में उतार देने का नाम आरिश ना इट इज नॉट ईज बट एफर्ट नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी दैट मेक्स ए मैन ये आसान काम नहीं है जो मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ा काम है इंटरनेट का जमाना आ गया है गूगल पर सर्च करो जो चाहते हो सो पढ़ लो तब तो ऋषिदानंद सरस्वती बोलता है जरा सावधान हो जाना सब जन ऋषि ने बल्लभ संप्रदाय के खंडन में लिखा पूछा तुम किसको गुरु मानते हो बल्लभ को स्वामी जी कहते हैं बल्लभ तो मर गया किताबों को ज्ञान के रूप मानते तब ऋषि लिखता है अरे इंटरनेट से किताबों जड़ वस्तुओं से पढ़ लोगे शब्द को कहीं सावधान हो जाना जरा सब जने उषा बहन जी जड़ वस्तु है किताब बोलो उसमें जो लिखा शब्द है वो भी तो जड़ है आप ने उस पुस्तक को पढ़ा जड़ से मिला क्या आपको नहीं बहुत सावधान हो ये, इतनी जल्दी उत्तर देने पर बात मेरी क्या जरूरत थी सावधान कि सुनिए जड़ से क्या मिला मुझे तब ऋषि लिखता है आप बिना चेतन आचार्य के पढ़ाए हुए आत्मत्व धर्म आत्मा में संप्रेषित होगा ही नहीं इसलिए चेतन पढ़ाने वाले की जरूरत है भैया चेतन से चेतन पढ़े अरे बोलो तो सही सब जाने बेटी इधर देखो सब जाने चेतन से चेतन पढ़े।, चेतन पढ़े क्यों वो शब्द नहीं पढ़ा रहा है अरे वो केवल अक्षर नहीं पढ़ा रहा है पढ़ा क्या रहा है पढ़ाती पढ़ाते आचार्य पदार्थों का चयन तो बुद्धि में कर ही रहा है लेकिन अपना आचार भी दे रहा है इसीलिए आचार्य है आचार्य का पढ़ा हुआ ढंग से बालक अब आप कहोगे श्रोत्री जी एक अनोखा आदमी बेकार की बात करता है तो इसका उल्टा सुनो दुर्जन परिहर्तव्य विद्या अलंकृतोपिशन मणिना भूषिता सर्पा के मसू न भयंकर चाणक्य लिखता है आचार की महत्ता पर दुर्जन परिहर्तव्य दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए हमने पूछा अगर बहुत विद्वान हो तो विद्यालंकृतोपि सन विद्या से चाहे अलंकृत ही क्यों ना हो अब ध्यान देना अगली बात पर तोड़ तोड़ देखो इसका क्या है दुर्जन को बोलो छोड़ देना चाहिए चाहे, चाहे विद्या से सुभूषित क्यों ना हो छोड़ दो से क्यों मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं है।, है क्या बात है साहब मणि है किसी सर्प के पास और तुम मणि लेने उससे जाओ तो डसेगा कि नहीं बोलो ऐसे ही आचारहीन गुरु की दी हुई विद्या कभी समय पर काम बोलो नहीं आती क्योंकि उसने डस दिया है तुमको समाज के लायक नहीं छोड़ा है मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं आरत सरस्वती तेरा एहसान है हम पर तेरी बड़ी कृपा है हम सब पर कि पुराने लोग पृथ्वीराज जैसे शास्त्री लोग और उनके अनुवर्ती माता आदि और तुम सब लोगों को जोड़ के वो गई हैं क्या ये कम बात थी ये सोचना और दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना करी सारा जीवन इसमें खपाया और एक बात कह दूं अच्छी लगे तो आज यहां दस हजार आदमियों के इनके बीच में रखो लेकिन एक दृढ़ व्यक्तित्व आचार से युक्त भावना से भरा हुआ उपकार की कामना मन में समेटे हुआ एक दृढ़ व्यक्ति को रख दो उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली विद्युत तरंगें प्राण किरणें जब दूसरे पर पड़ती हैं तो उसका शोधन करती हैं बिगाड़ती नहीं है लेकिन आचार ही इनकी आंख से दी गई दृष्टि दूषित होगी निकली हुई भाषा बोलो तो सही दूषित होगी मेरे काम करने के ढंग भी तो बोलो दूषित होंगे दूषित व्यक्ति के शरीर से निकली हुई तरंगे दूषित होती हैं और पवित्र व्यक्ति के शरीर से निकली हुई तरंगे तो कल्याण बोलो नहीं होगा नहीं होगा और आप जो एक तो खट्टर साहब वैसे तो आप सब जानते हैं की स्थिति भी है लेकिन उनसे ज्यादा हमको सतर्क रहना होगा किस बात में सतर्क रहना होगा हमारी बेटे और बेटियां दोनों मात्र छात्रावास के रूप में यहां रहते यहां से बाहर बोलो पढ़ने जाते लौटकर फिर फिर विद्यालय हमारे छात्रावास में आ जाते अब तुम्हारे संपर्क में कितनी देर रहे जितनी देर तुम्हारे संपर्क में रहे हैं अगर उतने में तुमने संभाल लिया है तो समझ लेना संभल गए हैं नहीं तो बाहर का वातावरण तो हावी हो ही जाएगा उसे कोई बचा नहीं सकता एक बात तुम सब की प्रेरणा के लिए कह रहा हूं जरा संभालना हमारे दादाजी थे बहुत सख्त तबीयत के आदमी थे बहुत सख्त थे कितना सख्त था इतना सख्त आदमी मेरी समझ में नहीं आया सुनना जरा वो एक गांव में बड़ी चौपालें होती थी उसमें पुरुष लोग रहते थे स्त्रियां घरों में रहती थी कुछ दूरी भी रहती थी गोयल साहब उसमें मेरी मां उनको बारह बजे रोटी खिलाती थी ले जाती थी मैं बैठा हुआ हूं पास में मुझे कभी अलग नहीं करते थे सारी दुनिया नाराज रहती थी कह रहे वित प्रकाश का पता नहीं इस आदमी ने क्या कर रखा अपने साथी चिपकाए रहता सुनना बेटा ध्यान से मैं आचरण की बात कर रहा हूं पवित्रता की रोटी लेके गई बारह बजकर दो मिनट हो चुके थे ज्यादा समय नहीं हुआ था घड़ी देखी घड़ी ये नहीं थी उस समय ये थी जे वाली धीरे से कहते हैं बारह है बजकर दो मिनट हो चुके हैं हमारा समय निकल चुका है अब हम भोजन नहीं करेंगे मेरी मां कहती है दो ही मिनट हुए तो कहती है कि तुम दो मिनट को दो मिनट नहीं समझती हो धीरे से कहती है रोती हुई कि एक आदमी मिल गया था बीच में उसने मुझसे बात कर ली इतने में समय हो गया आज मुझे माफ कर दो आगे से कभी मैं नहीं समय से पहले ही लाऊंगा मेरा दादा कहता है मेरी छाती पर आज तक लिखा हुआ वो शब्द है तुम अपने प्रतिज्ञा भंग करती हो तो कर लो कम से कम मेरी प्रतिज्ञा भंग तो मत बोले क्यों प्रतिज्ञा भंग किए हुए व्यक्ति की जो हालत दुनिया में होती है वो और किसी की नहीं होती इसीलिए प्रतिज्ञा भंग मैं नहीं करूंगा आप सोचो तो सही और मेरे लिए जब कहा तो उस व्यक्ति ने तो वो कहने लगे इसको तुम चिपकाए रहते हो तो अच्छा बेटा आदमी बैठे हैं तीस चालीस जो उनसे पढ़ने आते थे मेरे से कहा माता घर जाओ मैं घर चला गया कह रहे एक लोटे में घी भर लाओ अब हमारी हिम्मत ये नहीं थी कि क्यों मंगवा रहे होगी मैंने सुनाई थी ये बात राज प्रसंग में सुना रहा हूं एक परात और ले जाना छोटी सी वो भी ले आया घी जब भर के हम लाए उस व्यक्ति को पास बुला के कहते हैं मिठा लिया कह रहे हैं इस घी को पलट दो तो परात में वो घी हमने पलट दिया पंद्रह मिनट तक लोटा हम उल्टे किए रहे हमसे कहा इसको यूं ही पकड़े रहो उल्टा सारा घी निचुड़ जाना चाहिए इसमें से उस व्यक्ति को पास बुला के कहते हैं घी ये लोटा में घी तो नहीं है ना अब बोले नहीं अच्छा इनको दे दो लोटा दे दिया समझना बेटा क्या कहना चाहता हूं और उस व्यक्ति से कहते हैं इस लोटे में हाथ डाल दो हाथ डाला घुमा दिया घुमाओ निकाला हाथ बाहर निकाला ये क्या हुआ बोले चिकना हो गया तो धीरे से पूछते घी तो इसमें था ही नहीं घी तो तेरे सामने मैंने सारा निकाल लिया है इसमें से बोले हां अब तो घी नहीं था इसमें फिर चिकने तेरे हाथ कैसे हुए वो व्यक्ति कहता है घी जरूर सारा निकाल लिया था पर घी की चिकनाई तो रह गई थी अब सुनना अभी अभी नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं सुनो सुनो कह रहे मेरे बेटे वेद प्रकाश के शरीर में मैंने संस्कारों की चिकनाई इतनी भर दी है कि अगर समाज इसको पलट भी लेगा तो भी संस्कारों की चिकनाई तो रह जाएगी जिसको निकालने की ताकत किसी में नहीं होगा इसलिए हर आर्य समाज के व्यक्ति का कर्तव्य है वो जी जान लगाकर अपनी औलाद में अपनी संतान में अपने शिष्यों में अपने पढ़ाए हुए बालकों में जी जान लगाकर ईमानदारी से संस्कारों की जल्दी बोलो तो सही चिकनाई भरे अगर समाज निकालता है तो कम से कम आगे जाकर ये तो कहेगा हमारे समाज के उस शिविर में गए थे अथवा समाज के उस विद्यालय छात्रावास में पढ़े थे इसलिए हम ये काम बोलो नहीं कर सकते अब आप समझने का प्रयास करेंगे आज एक बात और कह दूं जो हमें एक उल्टी सोच चली है मेरा बेटा देखना मैं क्या कहना चाहता हूं अरे साहब व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए मैं उल्टा हूं मैं उल्टा हूं सारे सारे लोग मुझे माफ कर देना मैं उल्टा हूं आप सब जने बोलिए जब आप इस संसार में पैदा हुए थे तो ये सृष्टि बन चुकी थी कि नहीं हां करो पहले एक एक चीज नहीं थी हजारों हजारों चीज थी हजारों पक्षी हजारों पशु हजारों पेड़ हजारों सब कुछ था कि नहीं बोलो था ठीक है उसका नाम है समष्टि मुझे इस सभा में बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा हो तो बताओ जो बिना ब्रह्मांड के एक क्षण भी जी के दिखा दे साहब उत्तर तो दो ना का समझदार लोग बैठे हो बिना ब्रह्मांड के एक क्षण भी जीवित रहो तो बताओ इसका मतलब समष्टि के बिना व्यष्टि नहीं है अरे गुप्ता जी कर रहे हो बताओ तो सही क्या बात है भाई साहब आप मेरी बात समझ रहे समष्टि के बिना बोलो तो सही व्यष्टि नहीं है मुझे वायु लेनी ही होगी मैं बहुत गहरी बात कहूंगा जरा संभालते रहना मुझे वायु लेनी संसार का प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मांड की समष्टि से बोलो जुड़ा हुआ है लेकिन लेकिन लगा रहा हूं लेकिन बात तो सुनो यही तो सोच है यही तो दार्शनिकता यही पांडित्य है लेकिन हर व्यक्ति समान सोर्सिज लेता हुआ भी ब्रह्मांड से हर व्यक्ति हर व्यक्ति से अलग है बोलो समान सोर्सिस लेता हुआ भी वायु तुम भी लेते हो वायु में भी लेता हूं जल तुम भी लेते हो बोलो जल में भी लेता हूं अग्नि तुम भी लेते हो मैं भी लेता हूं पृथ्वी से अन्न उपजा हुआ तुम भी लेते हो मैं भी लेता हूं लेकिन मैं तुम नहीं हो तुम, तुम जो सब अलग है कारण क्या है क्या बात है प्रभु अरे धन्यवाद तो देना प्रभु की रचना के बारे में प्रभु की सोच में वो सबके लिए समस्ती बनाता है पर हर शरीर के भीतर जो बहुत छोटी सी चीज बैठी हुई है बड़ी सूक्ष्म चीज बैठी हुई है जो जो सबको सबसे अलग करती है उसका नाम बोल रहा हूं मैं मैं बोला सब जने मैं मैं आप बोलो मैं जी बोलो मैं यही मैं मेरे से और इनसे बोलो अलग करती है बहुत छोटी है बेटा कितनी छोटी है मैं बहुत छोटी मैं है पर इतनी जबरदस्त शक्तिशाली है कि जो इस मैं को मिटाना चाहता है ये मैं उसे ही मिटा देती है जो इस मैं को मिटाना चाहता है बोलो तो सही ये मैं और फिर अपनी सत्ता का दर्शन कराती है इसका मतलब है समान सोर्सिस लेता हुआ भी हर व्यक्ति के भीतर जो मैं है उसमें जो शक्तियां है, उसमें जो संस्कार है, उसमें जो भावनाएं हैं वो सबको सबसे बोलो अलग करती हैं और फिर सावधान हो जाइए व्यक्ति के भीतर जो भरा पड़ा है वही व्यक्तित्व पकड़ी नहीं बात पकड़ी नहीं व्यक्ति के भीतर जो भरा हुआ है बोलो तो सही वही व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व सदा जिंदा रहता है व्यक्ति चला जाता है व्यक्तित्व सदा जिंदा रहता है बोलो व्यक्ति चला जाता है तब ऋषिदानंद सरस्वती की सोच देखो क्या है जरा मेरा साथ दे दीजिए सब जनों मां कौन है आचार्य कौन है और जो है पढ़ाते हैं शिक्षक है वो कौन है मेधा बेटा जो इन आंखों से अपनी बच्चों को आंखों से देखते हुए जो बच्चों को नहीं देखते मेरे से सुनना जो कानों से सबकी सुनते हुए केवल एक विद्यार्थी की नहीं सुनते मेरा शब्दों पर ध्यान देना अपितु, अपितु, वो देखते हैं अपितु वो सुनते हैं अपितु उसके क्रिया में चाल चलन में वो देखते हैं क्या देखते हैं कि मेरी तोल से मेरे तोलन से ये बच्चे कहीं मुझसे अलग तो नहीं है आप बैठे हो सब जने जरा साथ देना मेरा मैंने एक दिन साहित्य की दृष्टि से एक बात कह डाली एक बिटिया संस्कारित थी बाकायदा संस्कार देकर उसका निर्माण किया उसकी मां ने बड़ी हो गई यूनिवर्सिटी जाने लगी किसी गुरुकुल की पढ़ी नहीं थी लेकिन जैसे ही रोज निकले तो तीन चार दिन से एक बाकी बोलती थी वो बेटी अब बड़ी हो गई हो थोड़ा ध्यान रखना हमारी इज्जत तुम्हारे आधार पर है बेटा हम मर जाएंगे कहीं जगह हमको मिलेगी नहीं इसे अच्छा हमें मार देना लेकिन संभाल के रहना अपने जीवन को संभाल के चलाना तीसरे दिन में वहीं उस घर में बैठा था लौटाई वापस समझो मैं बोलना चाहता हूं कहने में जब चलती हूं अपने घर से मां तुम रोज बोलती हो लेकिन आज सुन लो जब मैं चलती हूं अपने घर से जब निकलती हूं तो एक आंख में मेरा बाप का चित्र होता है और एक आंख में मेरी मां का चित्र होता है बीच में आर्य समाज और दयानंद बैठा हुआ होता है मुझे कोई पतित करने वाला दुनिया में नहीं ये बात उसने क्यों कह डाली तब मैंने उसकी माँ से पूछा तो उस माँ ने मुझे उत्तर दिया आचार्य जी मेरी तरफ देखो सब जने मेरे बच्चे मेरी तरफ देखो माँ कौन है पिता कौन है इसको तोड़ना आप सब जने ये दो आंखें जरूर हैं पर ये दो आंखें नहीं है ये तराजू के दो पलड़े हैं अरे साहब मुझे थोड़ा सा सावधान मुझे बिछा लो कहीं भीतर ये तराजू के दो पलड़े हैं एक पलड़ा ये है एक पलड़ा ये है मैं जब किसी बालक को देखूं तो दोनों पलड़ों में मैं तोल दूं। दूषण कितना है भूषण कितना है दूषण कितना है बोलो तो सही और भूषण दुर्गुण कितने हैं गुण कितने हैं ये तोलो और तोलकर जैसे ही वो यो और यू हिले वैसे तेरी पलड़े भी हिल जाने चाहिए और ऋषिदानंद की भाषा है ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूं मां इतनी सतर्क रहे इतनी सावधान और सचेत रहे क्या कि उसकी बालक की सूक्ष्म से सूक्ष्म चेष्टाओं का भी ध्यान रखे आप बोलो क्या कहना चाहते हो इसीलिए संस्कार विधि का आयोजन किया गया और आज जो अवसर है सब सर की बात कह रहा हूं वहां पर कल मैंने भाई साहब देखो एक निवेदन करें। एक बात और प्रेरणा की कहना चाहता हूं तो उसके बाद आगे की बात करूंगा आप सब से मैं ऑस्ट्रेलिया में गया सिडनी में रहता था उस उस समय में लगभग तीन महीने वहां में रहा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन महीने रहा बेटी सुनो सब जाने बेटे महत्ता सुनना महत्ता गर्भ के काल से संभाल दीजिए तब तो बात ही कुछ और है यह तो वहां था भी नहीं कोई मेरे व्याख्यान हुए एक व्यक्ति ने मुझसे कहा श्रोतरी जी मेरे दो बच्चे हैं एक लड़की है एक लड़का है इन दोनों का संस्कार आप करा दो यही संस्कार यही उपनयन और तो है ही इस समय निपटा लो तो मैंने क्या उत्तर दिया मैं बेशक खाली रहूं चाहे लेकिन मैं आया जरूर हूं मैं संस्कार इस समय नहीं कराऊंगा तुम मुझे स्पेशली कभी इन संस्कारों के लिए बुलाओगे तब आओ इतनी बड़ी बात है भाई साहब और उसकी हिम्मत उसने कहा अच्छा तो ठीक है टाइम फिक्स करो जनवरी में टाइम फिक्स हो गया मैं चला गया दुनिया स्वामी जी लिखते हैं कम कम से कम तीन दिन तीन दिन और कम से कम एक दिन व्रत जरूर करावे मैंने उनका सात दिन व्रत करा दिया मैं स्वामी जी से भी आगे चला गया गलती थी वैसे लेकिन मैंने कहा कर लो व्रत कर लो तो ठीक है जमीन पर शयन कराया मैं भी सोया मां बाप को भी सुलाया गायत्री के संबंध में निरंतर कमरे में बैठकर उनको उपदेश देता रहा गायत्री का विचार और 500 व्यक्ति लगभग उसके यहां रोज सुनने के लिए आते थे बड़ी अच्छा आदमी था एक व्याख्यान शाम को होता था अंतिम जब संस्कार हुआ तो संस्कार के दिन मैंने एक प्रतिज्ञा मां बाप से भी कराई और उनसे भी कराई मैं इस शर्त पर संस्कार कर रहा हूं जब तक जियोगे तब तक ये जनेऊ न उतरेगा बोले हाँ संध्या नहीं छोड़ोगे नहीं छोड़ेंगे नित्य यज्ञ नहीं छोड़ोगे नहीं छोड़ेंगे बच्चों ने भी प्रतिज्ञा कर ली और बोलो माँ बाप ने मैंने कब अब पूछते हैं आचार्य जी कब मैंने वैसे तो चार बजे उठ जाना ही चाहिए लेकिन छूट है क्या एक घंटे की तुमको छूट दे रहा हूं पांच बजे तो उठ ही जाना मैं आ गया संस्कार करा अब सुनना बेटा जो प्रेरणा की बात है मैं यही इस साइड में ही कहीं व्याख्यान देने के लिए आ रहा था ढोला कुआ पर उसका फोन आ गया मैंने गाड़ी साइड से लगा दी और मैं खड़ा हो गया तो फोन पर पहले तो वो रोया व्यक्ति मैंने कहा जी क्या बात है क्या हुआ कोई घटना घटित हो गई रो क्यों रहे बोले आचार्य जी घटना हो गई आज आपने कहा था पांच बजे उठकर नित्य संध्योपासन करना है नित्य यज्ञ करना है बालकों ने भी की मैंने भी लेकिन आज छह बज गए मैं नहीं उठा मेरी पत्नी नहीं उठी आप सुनना मैं बार बार क्यों कह रहा हूं प्रेरणा के लिए आप सबकी प्रेरणा के लिए तब ठीक छह बजे मेरे बालकों ने आकर मेरे द्वार पर नोक किया खटखटाया और मैं रोता हुआ उठा तो मुझसे कहता मैं भी भावुक हूं इस समय हे पिता आज क्या बात हो गई मैंने हिंदी पढ़ाई उन सब लोगों को हे मां आज क्या बात हो गई तुमने प्रतिज्ञा की थी कि पांच बजे उठकर नित्य संधोपासन किया करेंगे अग्नि थी अग्नि नहीं थी वो बहुत एक ईश्वर की अग्नि भी थी और आचार्य के सामने तुमने प्रतिज्ञा की आज प्रतिज्ञा भंग तुमने क्यों की है ये जब उसने कहा मुझसे तो वो कहने लगा मेरा शरीर हिल गया गया रोमांचित हो मैं मैंने प्रतिज्ञा भंग की है और फिर वो कहते हैं आज की माफी देती हूं लड़की कहती है लेकिन कल से नियमित हो जाना और पांच बजे उठकर संध्यावन करना अब मुझसे वो कहता क्या उसे सुनो आचार्य जी मुझे तो होश नहीं था यहां का माहौल खराब है ना तो मैंने उत्पन्न करने से पहले कोई अपनी तैयारी की न गर्भ मैंने मैंने इनके लिए कोई संस्कार दिया न गर्भ के बाद मैंने इनको कोई बोलो कुछ सिखाया लेकिन उसके बाद भी अगर तेरे भाषणों से और तेरे संस्कार से इतना हो सकता है कि ये बालक मुझे पतित होने से बचा सकते हैं तो अगर संस्कार कर दिया जाता तो वो बालक माता पिता को पतन होने से कितना बचा पाते अब सुन लो औलाद वही है जो माता पिता को पतन से नरक में गिरने से बचा लेती है वो लोग वही सुनता यजी मैंने यहां पर भी एक चालू किया नाम नहीं लूंगा एक ऐसा आदमी जिसके नाम से दाऊद हिलता था उसको आर्य समाज बनाया उसके घर में सब नित्य प्रति यज्ञ कराने किए कल उसके बच्चे का उपनय संस्कार मैंने किया अब सुनो ध्यान से क्या है बेटा सुनो सब जने मेरी माता हो मेरे बंधु हो तुम बताना ऐसा लिखने वाला मेरे दयानंद सरस्वती को छोड़कर इस धरती तल पर कोई होगा तो मुझे बताना ढूंढकर मेरे शरीर में प्राण चलते हैं कि नहीं अगर मैं सारे शरीर के प्राणों को रोक दू और बाहर सांस निकालू और सांस न लू तो जिंदा रहोगे तो अब पूछता हूं तुम्हारे भीतर के प्राण क्यों नहीं चलते फिर अगर बाहर से सांस लेना बंद कर दिया जाए तो क्यों नहीं चलते तब ऋषि लिखता है क्या भीतर के प्राण तभी चलते हैं जब बाहर का प्राण उसको ताकत देता है अरे सुनो तो सही ध्यान से अरे बड़ी बात कहने जा रहा हूं लो तो। तुम मजबूरी में सांस जो निकालते हो ये स्वाभाविक सिस्टम ईश्वर ने बना दिया देखो सांस ली भीतर गई फिर बाहर निकाली क्यों भीतर की सांस को कहते हैं मृत प्राण और बाहर के सांस को कहते हैं अमृत प्राण जो बाहर अमृत प्राण भरा हुआ बात है आनंद सरस्वती लिखता क्या है उसे समझ लो ये ने बृहस्पति पर दधा ये मंत्र है सबसे पहले भी देने से पहले जैसे शरीर के मध्य में इंद्र प्राण इधर देखना बेटा इधर देखो सब जने जरा एक उदाहरण दे दू मैं ये चीज है इसको यू ढक लिया ये अमृत है ये मर्त है ये जिंदा तब है जब ये इसको जिंदा रख रहा है ये समझ आ गई बात तो वहां लिखा है कि अमृत ने मर्त को अपने भीतर बसाया हुआ है क्या बोला मैंने बसाया हुआ यूं बस गया भैया आप तो ले लो आनंद जैसे शरीर का मध्य प्राण अमृत प्राण के भीतर बसा हुआ है ऐसे हे बेटा आज मैं तुमको यह यज्जो पवीत देकर ऐसे उसके भीतर हृदय से यहां तक बसा रहा हूं जैसे मृत प्राण अमृत को अपने भीतर बसा नहीं लगी अच्छी। बोलो तो सही सब जन बात अच्छी नहीं लगी आपकी समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले अब अगली सुनो अब ये है कैसे दिया क्यों गया ये यज्जोपीत नई व्याख्या और तुमने सोचा भी नहीं होगा यज्जोतम उपवीत कहते हैं आच्छादन करने को उपबीत यह शरीर जरूर नंगा है अब भाषा सुनना जैसे सुवस्त्रों से शरीर भूषित होता है पहनकर वैसे माता के गर्भ से बाहर आए हुए शरीर को हाथ से बनाया गया हाँ भावनाओं में रमा हुआ यह पवीत। उस बालक को जल्दी बोलो भूषित करता है दयानंद सरस्वती की भाषा सुनिए साहब अरे यज्जो पबीत केवल धागे का नाम नहीं है आर्यो अच्छी लगे तो बेटा दयानंद के लिए तालियां बजाना अभी नहीं पहले सुन लो क्या मैंने ऐसा पढ़ा नहीं जीवन में आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े लेकिन यह भाषा मैंने नहीं पढ़ी जो जान लिखता है यज्ञ पवीत आर्यों का भूषण है क्या बोला मैंने तो, ये मामूली लाइन है यज्ञ पवित जल्दी बोलो आर्यो का क्यों क्योंकि विद्या का चिन्ह है इसलिए भूषण है बिना विद्या के मनुष्य कभी जल्दी बोलो पशुओं के समान से अलावा कुछ और है ही वैसे तो वैसे तो भरतरी लिखता है विद्या विहीना पशु विद्या से विहीन पशु है लेकिन मैंने पूछा दयानंद सरस्वती से पशु की भाषा बता पशु है कौन तो कहते हैं जो यज्ञोपवीत नहीं पहनते जो विद्या नहीं पढ़ते जो अच्छे संस्कारों में नहीं रहते पशु का स्वामी लिखते हैं वो पशुओं का बड़ा भाई अर्थात गधा है नहीं समझ में आई बात अरे आ रही है बेटियों नहीं आ रही बोलो तो सही क्या है बोलो गधा गधा का क्या अर्थ है गधा से निर्बुद्धि कोई पशु नहीं निर्बुद्धि की बात बोलो खड़ा है सामान लाद दिया लदवा लिया चल चल दिया पीछे से कुम्हार उसे मारता है कित, कित। तो टेढ़ा हो जाएगा बोझ लादते जाएगा पिट पिटा के वही जाएगा फिर खाली हो लौटेगा और जब काम पूरा कर लेता है तो गधे को यू ही छोड़ देता है जा कहीं खा मर चल और बांध और देता है कहीं भाग ना जाए कहीं बंध के बंध के पिटता बिना बंधे पिटता एक दिन मैंने गधे पर बहुत बढ़िया लकड़ी किसी ने लाद दी सौभाग्य था दुर्भाग्य था वो थी चंदन की लकड़ी मैंने गधे से पूछा कि भाई साहब आप पर चंदन की लकड़ी रही है बड़ी सुगंध आ रही है के? ए? उसने कहा क्या मतलब मैं चंदन की लकड़ी है के तू कह ले चंदन की लकड़ी मुझे नहीं पता बोलो क्यों मैं तो गधा हूं बाहर को ढोता हूं तो चंदन मानी भार सोना मानी भार चांदी मानी भार वो कह रहे हैं जो तू ला देगा वो सब भारी भार है मुझे नहीं पता सोना चांदी चंदन में क्या फर्क है मैं तो भार भाई क्या मतलब हुआ जो व्यक्ति संस्कार विहीन होकर विद्या से अलग रहकर इस शरीर को धारण करता है वो निर्बुद्धि जल्दी बोलो गधा है और संसार का भार ढोता है और औलादों से पिटता है और फिट कर अलग पड़ा रहता है उसको कोई पूछता नहीं अब ये बात भी हमको अच्छी लगती है अरे साहब क्या करें फिर भी अपना अपनाएंगे पिटते भी हैं अरुणी के लिए मरते हैं तो। जैसे गढ़ाव कुमार के लिए ही मरता वो हमारी हालत है तो मेरे बेटे अब सुनो यज्जोतम यज्जो पवीत अब समझी क्या लिखते हैं एक और सुन लो छोटे बालक को यज्ञ कर पहले तो कोई करता नहीं और करता भी होगा कोई एकाध एकाध कह रहा हूं सो में से अरे तो बचा तो दिया मैंने आपको फिर आप मुझे बचाओ फिर जमेना को बचा दिया मैं और आप अगर हो भी जाए दस बीस तो आर्य समाज के इतने बड़े क्षेत्र में हमारी और आपकी जो परसेंटेज है वो पॉइंट वन है समझो मेरी बात पहले तो कोई करता नहीं और करता है तो बालकों को बिठाएंगे संग और आहुति डाल डालो बेटा ये बहुत बड़ा जगन्य अपराध है बालकों से आहुति डलवाना स्वामी क्या लिखते हैं भाई साहब सुनना जरा स्वामी जी की भाषा बोलूंगा तभी तो बचूंगा नहीं तो पीट हो गई तुम सब मुझे स्वामी जी लिखते हैं जब तक पवित्र नहीं होता तब तक बालक को कर्मकांड करने का अधिकार बोलो है ही नहीं कारण कारण यह है कि पवित्र ने समय की सीमा बांधी और आगे के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ कर दिया जब तक वो जिएगा तब तक कभी यज्ञ बोलो नहीं छोड़ेगा और बचपन में बिना यज्ञ पवीत के डलवाही विवाह होती आगे चलकर कोई करता नहीं अब तुम करते रहो तुम्हारी तो कोई मानता नहीं यह अभिप्राय है अब सुनो यज्ञो पवीतम बड़ी कांटे की बात कर रहा हूं साहब सब जने हाथ जोड़ रहा हूं यज्ञो पवीतम ये आच्छादित करता है धागा नहीं है परम पवित्रम परम पवित्र है और आगे सुनना ये नहीं सुना होगा आपने अब मैं नई चीज कह रहा हूं प्रजापतेरिया सहजम पुरस्ताद प्रजापति ने पहले से ही सहज ही पुरस्ताद पहले से ही दिया है ये बात समझ में नहीं आई मेरे अब समझ में आ गई जब ऋषि को पढ़ा बोला सब जनी माँ मेरी तुम मां बैठी हो आप हद पुरुष बैठे हैं इतने सब जानते हैं ईमानदारी से बोलना मैं हाथ जोड़ रहा हूं सिर झुका रहा हूं आपके सामने मां के गर्भ में जब बालक होता है तो नाल नाभि से जुड़ा रहता है कि नहीं और वो यूं ही जाता है कंधे पर पड़ा होकर फिर वापस लौटता है जाओ देख लेना चित्र तुम अपन अरे इतना तो दुनिया जानती है आजकल की भाषा में सब समझते हैं बालक माँ के गर्भ में नाभि से बोलो नाल से जुड़ा रहता है और मां अपने प्राण उसी के माध्यम से उसी से निर्माण करती है तो हमने पूछा क्या मतलब कि माँ के गर्भ में जो यजो मिला था आए है उसका अब आपने कह तूने ये क्यों कैसे जान लिया कि माँ के, मा के गर्भ में मिला था कौन सा शब्द है यहां तो शब्द है सहजम सहजम का अर्थ है जन्मना सह अर्थात अब जन्म किसको तुम मानते हो ये भूल है तुम्हारी जन्म आप कहते हैं गर्भ से बाहर आने को दयानंद क्या कहता है माँ की कोख में जाते ही जो शरीर मिलते ही शरीर का आरंभ होता है उसी का नाम बोलो जन्म कहलाता अर्थात शरीर आरंभ का नाम जन्म है को गर, 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 गर्भाधान प्रकरण में पढ़ना प्राणों के धारण और शरीर के आरंभ का नाम ही बोलो तो सही जन्म है वही नाल मिला था प्रजापतेरिया सहजम पुरस्ताद यह तो सहज ही मिल गया था मैंने लिया नहीं था किसी से बोलो तो सही सहज ही मिल गया था लेकिन जब बाहर निकला तो ये काट दिया गया बाहर जब निकले तो काट दिए गए अब फिर जल्दी से क्यों नहीं मिला कह रहे कि वो तो अलग बात थी माघ से संबंध था लेकिन अब जब बुद्धि ठीक हो जाएगी तब न मिलेगा तब तो समझ लिख दिया आठ वर्ष ग्यारह वर्ष और बोलो बारह वर्ष ये मिला अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ये यज्जो पवीत यहाँ कंधे पर पहनकर बनाकर इसमें इधर देजिए दे मैंने बनाए हैं और कोई सीखना चाहे तो मैं सिखा दूंगा यज्जोभीत मैंने बनाए हैं और बना के ले जाता हूं तीन में तीन और तीन में तीन और तीन में तीन तीन तियां नौ तियां 27 धागे होते हैं इसमें और एक खास होती है उसको जब हमने गले में धारण किया जब हमने व्रत कराया गायत्री का उपदेश किया हम भी जमीन पर सोए हमने भी अपना आचरण दिया अब मैं हाथ जोड़ूंगा बड़ी बात तो मैं कहता नहीं अपवाद तो हो ही जाते हैं अपवादों के लिए तो माफी मुझे दे ही देना लेकिन ये नहीं हो सकता कि यदि ईमानदारी से संस्कार किया गया है और ईमानदारी से संस्कार संपन्न हुआ है और आचार्य ने ठीक ढंग से कराया है और बालक ने उसको ठीक ढंग से धारण किया है अथवा करवाया गया है वो बालक जब तक जीवित रहेगा मर सकता है तो ये जो पवित नहीं उतारेगा किसी के मत पर नहीं उतारेगा और वो सारा जीवन संस्कार करता रहेगा निभाता रहेगा इसीलिए प्रिय बालको मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरी बेटी हो और मैं सुमेधा से खास करके निवेदन करूंगा बेटा क्या करूं मैं मुझे कोई दिखता नहीं है काश मेरे अर्ष की व्यवस्था होती मैं हाथ जोड़ूंगा जैसे मां अपने गर्भ में से अपनी ही आकृति की शब्द बोलूं अपनी कृति को प्रकट करने के लिए अपनी आकृति की प्रतिकृति बनाकर संस्कृति से ओत कर एक औलाद को समाज को दे डालती है ऐसे काश मेरे आर्य समाज के गर्भ में से जैसे दयानंद की कुटिया के गर्भ में से ब्रिजानंद की बोलो तो सही सब जने ब्रिजानंद की कुटिया के गर्भ में से अगर दयानंद निकल सकता है तो मेरे आर्य समाज की गर्भ में से भी कोई आचार्यवान आचार आचारवान आचार्य निकल सकता है आर्य समाज की कोख कोई साधारण कोख नहीं है ये सुहागिन कोख है ये सौभागिनी कोख है और सारी दुनिया का सौभाग्य इसकी कोख में छिपा है बशर्ते एक काम कर दो तुम इसका ध्यान कर लो और जो तुम्हें विद्वान मिल जाए उसे विद्वान को जीजान लगाकर सुरक्षित रखो बताओ आप बोले बताओ तो सही आप बताओ बिना विद्वानों के निर्माण होगा नहीं और विद्वानों को तुम सुरक्षित रखोगे नहीं तो निर्माण करोगे से वो जगह हम बताओ इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं एक बात दूसरी बात जो समष्टि की बात कही थी अब दूसरे ढंग से ऐसे ही परिवार केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है बोलो सब जने परिवार एक समूह का नाम है उसमें माता पिता तो हैं ही परिवार के और लोग जब अब परिवार को इकाई मान के चलो या परिवार को समूह मान के चलो अब देखो समूह कैसे परिवार के सब सदस्यों के समूह का नाम परिवार है लेकिन ब्रह्मांड की अपेक्षा से परिवार एक है समझ आ गई बात ब्रह्मांड की अपेक्षा से परिवार बोलो एक है अब मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वामी जी लिखते हैं कि समूह में ही समूह में ही उत्तम गुणों की उत्पत्ति होती है माता पिता यदि उत्तम आचरण करेंगे परिवार के लोग उत्तम आचरण करेंगे उनके आचरण को देख करके संतान बोलो समझ जाएगी ऐसे ही किसी को योगी बनना हो तो योगियों के समूह में जाकर योग सीखा जाता है विद्वान बनना हो तो विद्वानों के समूह में जाकर विद्वान बनता है क्यों आचरणों के समूह में से आचरण की जब किरणें निकलती हैं तो व्यक्ति पर विशेष प्रभाव डालती हैं और वही उत्तम कार्य होता है वही हमारे लिए सबके है तो मेरा अभिप्राय यह है कहने का आप सबके सामने निवेदन यह है कि इन संस्कारों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया करो एक बात और कहूंगा क्रोध अच्छी चीज है कि बुरी बोला सर बुरी चीज है काम अच्छी चीज है कि बुरी लोभ अच्छी चीज है कि बुरी लोभ अच्छी चीज है कि बुरी अच्छे हैं ये इसके उल्टे चलो तो फिर अगर बुरे हैं तो इनके बिना संसार में कोई काम करके दिखाए अथवा रह के दिखाए इनके बिना इनके बिना मेरी बात समझ गए ना सब जने काम बुरी चीज है क्रोध बुरी चीज है लोभ बुरी चीज है मोह बुरी चीज है पर इनके बिना कोई काम करके दिखाए? नहीं हो सकता अब बुरे क्यों हैं? बुरे इसलिए हैं कि जब जब ये मूर्खता प्रधान होते हैं अविद्या प्रधान होते हैं तब तब ये बुरे जैसे उदाहरण जैसे उदाहरण स्वामी जी लिखते हैं व्यवहार भानु व्यवहार पढ़ा करो सब जने सत्य प्रिय चीज है कि नहीं आप सब मानते हैं सत्य बढ़िया चीज है कि नहीं मैं पिता हूं आचार्य हूं तो तीनों को एक श्रेणी में गिनते हैं हुए मेरे बालक ने मेरे शिष्य ने भाई साहब खट्टर जी से सत्य बोल दिया उसमें मेरी पोल खुल गई भाई साहब समझ रहे उसमें मेरी पोल खुल गई यानी मेरी पोल खुल गई पिताजी तो हमारे जैसा पिताजी तो होगा नहीं बोले को संध्या करता ही नहीं और मैं दुनिया से कहता हूं मैं संध्या करता हूं मैं दुनिया से कहता हूं यज्ञ करता हूं पर मेरी पोल खोल दी मेरे लड़के ने खट्टर जी से कहा पिताजी भाई साहब अंकल जी पिताजी तो संध्या वन करते ही नहीं अब ये सत्य है कि नहीं बोलो और मुझे क्रोध आ गया इस पर मैंने ठोंक दिया ये क्या कहने की जरूरत थी कि यदि नहीं करते ये कोई मतलब था कहते तो आप करते ही नहीं इतने पर भी कौन करते ही नहीं आप बात तो ठीक है उसकी सत्य भी बोल दिया लेकिन मेरी पोल खुल गई अब मैं पिता हूं लेकिन ऋषि लिखता है कि ये क्या किया तो सामने ने लिखा कि ये तुमने जो सत्य पर क्रोध किया है यह गलत है अरे खुश हो जाओ जरा सब जने सत्य पर क्रोध करना गलत है लेकिन अगर कोई बालक झूठ बोल दे और उसमें मेरा लाभ हो रहा हो तो मैं बहुत खुश होता हूं क्या बात है बेटा आज तूने इज्जत रख ली मेरी, कह रहा है कह रहा है मेरी? बोलो तूने सा ये झूठ बोल दिया उसमें मेरा काम बन गया अरे झूठ थोड़ा सा तो थो। बोला काम भी तेरा बना तत्काल की दृष्टि से परिणाम बहुत बुरा हो गया तेरे स्वामी ने क्या लिखा असत्य पर सदा क्रोध करे सत्य पर कभी क्रोध जल्दी बोलो नहीं करे चाहे जितना नुकसान हो लाभ हो जाए कारण परिणाम लंबा देखो तत्काल का परिणाम देखना बुरा नहीं है मोह करना बुरा है लेकिन बाहर की कठोरता भीतर की कोमलता बालक से मोह करके उसका निर्माण कर दो जो भविष्य की दृष्टि से ठीक है ये मोह ठीक है पर सोते रहने देने का मोह बोलो ठीक नहीं है इसीलिए दयानंद सरस्वती ने लिखा व्याख्या समाप्त कर रहा हूं सत्य के ग्रहण करने बोलो सब जने कितन जल्दी बोल दिया सबने सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यम का क्या अर्थ है तैयार तुरंत ऑल शुड बी रेडी टू गेप अप्रुत सत्य को छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए रेडी तुरंत तुरंत देर बिना लगाए अब होता क्या है उल्टा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए उल्टा करो असत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए है हमारा तो यही है अब हम चाहे कितने ही बने लेकिन हमारे यही है बेमतलब झूठ बोलते हैं बेमतलब और झूठ बोलने का इतना बढ़िया हाँ अभ्यास हो गया है इतना बढ़िया हाँ अभ्यास है कि झूठ बोलते बोलते झूठ बोलना भी झूठ नहीं लगता अभी मुझसे पूछे खट्टर था जी, कहां जा रहे हैं तो मैं छूट देगा कहीं नहीं ये झूठ नहीं है अरे बोलो तो सही सब जने मैं जा रहा हूं निकला हुआ यहां से बाहर कहां जा रहे हो कहीं नहीं कब आओगे पता ही नहीं झूठ और मैंने बोल दिया चल रहा है गुप्ता जी कह रहे थे अपने भाषण में एक बात उसमें हम संशोधन करेंगे क्योंकि हमारे मित्र हैं और बढ़िया आदमी है फल की आशा किए बिना कर्म करो मैं कह रहा हूं फल की आशा के बिना कर्म होगा ही नहीं साहब। और यह कहीं है भी नहीं आप कहेंगे गीता में लिखा है गीता का ही अर्थ है ही नहीं गीता का अर्थ सुनो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा हस्ते मां फलेशु इसका अर्थ क्या है कर्मणी एव अधिकार हस्ते कर्म में ही तेरा अधिकार है फलेषु अधिकार हस्ते फलों में तेरा अधिकार नहीं है बात इतनी सी है हमने क्या अर्थ कर लिया कर्म में अधिकार है फल की आशा मत करो अरे मुझे एक बात बताओ बेटा मैं हाथ जोड़ रहा हूं कोई बाप अपने बालक को उत्तम शिक्षा देगा बिना फल की आशा के अरे बोलो तो सही किसान अपने खेत को जोतेगा बिना फसल की आशा के बोलो हाँ ये बात थी अब ठीक करो उसे क्या कि फल तेरे आधीन नहीं है ये ठीक है बात फल मेरे अधीन नहीं है फल ईश्वराधीन है लेकिन फल की आशा तो करनी ही पड़ेगी मुझे उत्तम कर्मों का उत्तम फल मिलेगा ये आशा बोलो रखनी ही होगी धर्म का फल बोलो उत्तम होगा अधर्म का फल बोलो खराब होगा इसीलिए मुझे बचना चाहिए उससे को ध्यान में रखे बिना तुम बच नहीं सकते आज मैंने बहुत गहरी बातें नहीं की हैं लेकिन मैं अपने बालकों से सबसे निवेदन करूंगा मेरे बेटा मेरी बेटियों और शिवरार्थियों तुम जो आए हो और मेरे इस आश्रम में पढ़ने वाले बाल को मैं आपसे आज अंतिम में एक बात कह देता हूं सुमेधा देखेगी तब तुम डरोगे यहाँ के संरक्षक जो इस आश्रम में हमारे इस आर्य भवन में जो आर्य समाज भवन में विद्यार्थी रहते हैं तब तुम उनसे डरोगे ना तुम अपने आत्मा में भीतर से ही सोचकर सदा असत्य से डरते रहना और सत्य से बोलो ग्रहण करने की क्षमता पैदा करते रहना किसी के अधीन रहो हाँ आचार्यों से अच्छी बातें लेते तो रहो लेकिन वो देखें तब तुम डरोगे ये बात ठीक नहीं है उनके बिना देखे भी उत्तम कर्म करो जिससे उनका भी नाम हो और तुम्हारा भी बोलो नाम हो यह मामूली बात नहीं है हम लोग प्रयास करते हैं धन इधर उधर से बटोरते हैं खुशामद करते हैं लोगों की तुम्हारे लिए लेकिन हमारे धन का सफल होना तब है जब तुम सफल हो जाओगे हमारे धन का पुरुषार्थ होना तब सफल है जब तुम सफल हो जाओगे हमसे तुम्हारी इज्जत तुम्हारे निर्माण में है हमारी लेकिन हमारा सम्मान तब दुनिया में सुरक्षित है जब तुम बाहर निकलकर हमारे नाम को दुनिया में फैलाओगे यही हमारी कामना है